हेलो दोस्तों, मैं राजा अंसारी, अंसारी ऑटो गैराज में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय एसटीएस इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज हमारे पास है बोलेरो पिकअप और इसका हम डीपीएफ रीजनरेशन करने वाले हैं थिंकटू लाइट 2 से। और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग, पहले चेक करेंगे कि क्यों डीपीएफ रीजनरेशन करना है इस गाड़ी को। तो जैसा कि थोड़ा ये मीटर में दिखाइए, क्लस्टर मीटर में, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके क्लस्टर मीटर में आपको ये चेक डीपीएफ रीजनरेशन का लाइट ब्लिंक कर रहा है। और अभी हम सबसे पहले तो गाड़ी चालू करके भी देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, चालू करने के बाद डीपीएफ रीजनरेशन का लाइट ब्लिंक कर रहा है और हमारी गाड़ी पिकअप नहीं कर रही है, पिकअप इशू है। तो सबसे पहले तो हम डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करके इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, क्यों इसका डीपीएफ रीजनरेशन का लाइट ब्लिंक कर रहा है। अभी हमारा डिवाइस ये कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे भाई का कंप्लेन रहता है, बहुत सारे हमारे टेक्नीशियन भाई बोलते हैं कि भाई डीपीएफ रीजनरेशन नहीं होता है, टूल से नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो आज उस कंडीशन को, आज उस रीजन को समझेंगे हम लोग। अभी हम कमर्शियल व्हीकल में जाएंगे दोस्तों, और कमर्शियल में जाने के बाद ये है बोलेरो पिकअप, और बोलेरो पिकअप में BS6, उसके बाद सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से हम लोग करेंगे रीड फॉल्ट कोड। रीड फॉल्ट कोड में देख सकते हैं दोस्तों, ब्रेक स्विच का एरर है P50400 करके एक फॉल्ट कोड है हमारा ब्रेक स्विच का। उसके बाद हमारा आता है डीपीएफ सूट मास हाई का, डीपीएफ सूट मास वेरी हाई का। तो अभी हम इसको डीपीएफ सर्विस रीजनरेशन करेंगे। सबसे पहले तो बैक जाएंगे, बैक कर लेंगे सब चीज़ों को। हमने बैक कर लिया और यहाँ पे हमारा है सर्विस फंक्शन, सर्विस फंक्शन में जाएंगे दोस्तों और डीपीएफ सर्विस रीजनरेशन में जाएंगे। उसके बाद हम लोग यस कर देंगे दोस्तों, और उसके बाद UDS MDG BS6 एक नंबर वाले ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, और डीपीएफ सर्विस रीजनरेशन आ गया है हमारा, SCR रूटिंग आ गया है, रिसेट SCR, DPF LNT PSP ये सब चीज़ें आ गई है यहाँ पे। DPF सर्विस रीजनरेशन में जाके हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या कंडीशन ओके है, नहीं है, क्या है, वो सबको हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंजन ऑन यानी इंजन चालू होना चाहिए आपका 30 सेकंड से ऊपर, तब जाके ये प्रोसेस, ये सब कंडीशन ओके होना चाहिए। टोटल आपका कंडीशन ओके होना चाहिए, टेम्परेचर 75 डिग्री के ऊपर होना चाहिए इंजन का, और ये जितने भी कंडीशन दिए हुए हैं दोस्तों, ये सब ओके होना चाहिए। ये हमारे फर्स्ट पेज का जितना भी कंडीशन है दोस्तों, पूरा ओके 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 है। तो हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको, उसके बाद हम जाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक स्विच का हमारा फॉल्स करके आ रहा है, यानी नॉट ओके है, हमारा यहाँ बता भी रहा है हमको कि ब्रेक स्विच नॉट ओके है, बाकी सब हमारे कंडीशन ओके हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्रेक स्विच का वायरिंग चेक करेंगे दोस्तों, और वायरिंग चेक करने के बाद आगे का कंडीशन देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेजर स्वीट मास 54 है, यानी 54 ग्राम है मेजर स्वीट मास। तो इस कंडीशन में भी रीजनरेशन नहीं होगी गाड़ी, तो इसको हम लोग स्वीट मास को 37 यानी 37 ग्राम के नीचे करेंगे, फिर जाके गाड़ी रीजनरेशन होगी। तो सबसे पहले तो हम ब्रेक स्विच को क्लियर करते हैं दोस्तों, फिर आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग इसका स्वीट मास डाउन करेंगे रीसेट करके, डीपीएफ रीसेट करके, और उसके बाद हम सर्विस रीजनरेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सर्विस फंक्शन में आ चुके हैं और रीसेट पर जाएंगे। रीसेट पर जाने के बाद हम डीपीएफ रीसेट करेंगे, इसका डीपीएफ पार्ट रीसेट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं डीपीएफ पार्ट रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। अभी बैक कर लेंगे, और बैक करके अभी हम कंडीशन चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा स्वीट मास डाउन हुआ नहीं हुआ, लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे आपको थिंकटू लाइट 2 से। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन हमारा ओके है और यहाँ पर एग्जीक्यूट आ गया है, एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो सेकेंड कंडीशन है दोस्तों, पहले ब्रेक स्विच का फॉल्ट था, तो ब्रेक स्विच हमने क्लियर किया। अभी हमारा सब प्रॉब्लम जो भी इसमें कंडीशन है पूरा ओके है दोस्तों, और मेजर स्वीट मास 37 के नीचे आ चुका है। जैसा कि मैं पहले भी बोला था, 37 के नीचे नहीं रहेगा दोस्तों तो आपकी गाड़ी रीजनरेशन नहीं होगी। और पहले था इसमें 54, और अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे हमारी गाड़ी का RPM ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है नहीं होता है, और गाड़ी हमारी रीजनरेशन हो रही है नहीं हो रही है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम एग्जीक्यूट किए, अभी DPF सर्विस रीजनरेशन वापस एग्जीक्यूट कर देंगे इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मीटर में लाइट
DPF का बिलिंग कर रहा है और इधर देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं पॉज कर देता हूँ, पूरा रीजनरेशन होने के बाद दोस्तों आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अभी समथिंग अपना 20 मिनट हो चुका है और जो हमारी DPF रीजनरेशन की लाइट ब्लिंक कर रही थी वो चली गई है अभी, और चेक इंजन लाइट है तो उसको हम लोग नॉर्मल स्टेट में आने के बाद जो हमारा सूटमास हाई था वो कोड को क्लियर करेंगे तो चेक लाइट भी बंद हो जाएगी दोस्तों। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं ये वीडियो को पॉज करूंगा और लास्ट में आपको दिखाऊंगा चेक लाइट जाने के बाद और सूटमास क्लियर नॉर्मल स्टेट में आने के बाद। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये अभी हमारा सर्विस रीजनरेशन नॉर्मल स्टेट में आ चुका है और गाड़ी की जो स्पीड थी वो आइडलिंग स्पीड पर आ गई है इंजन की स्पीड, और अभी हम इसको जाएंगे और बैक करेंगे। बैक करके जो हमारा अभी चेक लाइट लग रहा है दोस्तों उसको क्लियर करेंगे हम लोग। व्हीकल सिलेक्शन कमर्शियल व्हीकल बुलेरो पिकअप BA6 सिस्टम सिलेक्शन इंजन मैनेजमेंट और रीड फॉरवर्ड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा DPF सूट मास का हाई का कोड जनरेट हो रहा था और जो सूट मास वेरी हाई का कोड जनरेट हो रहा था वो दोनों कोड हेल्ड हो चुका है। इसको हम लोग अभी यहाँ से क्लियर DTC करेंगे दोस्तों, क्लियर DTC यस करेंगे। अभी हमारी गाड़ी चालू है तो हम इसको बंद करके कर लेंगे। इंजन मैनेजमेंट रीड फॉल कोड बैक क्लियर फॉल कोड, अभी क्लियर फॉल कोड कंप्लीट हो चुका है हमारा। रीड फॉल कोड में नो ट्रैवल कोड है और अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अभी इसका चेक लाइट भी चला गया है, जो DPF रीजनरेशन की लाइट ब्लिंक कर रही थी यहाँ पे वो भी बंद हो चुका है कम्प्लीटली। कम्प्लीटली गाड़ी अभी हमारी रीजनरेशन सक्सेसफुल हो चुकी है थिंक टू लाइट 2 से, और बहुत ही इजीली तरीके से अगर आपका सूट मास हाई भी हो जाता है दोस्तों तो आप लाइट 2 के मदद से आप अपना काम कर सकते हैं। और जो हमारे विक्की भाई हैं, विक्की भाई क्या फीडबैक देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा टूल्स है ये, जो कोई कर सकता नहीं है। अंसार भाई ने ये टूल्स के मदद से सिर्फ 25-30 मिनट में काम फिनिश कर दिया। ओके शुक्रिया, थैंक यू सो मच विक्की भाई। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो अंसारी ऑटो गैराज को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।